तो हाल ही फिलहाल में आदिपुरुष मूवी के टीजर को रिलीज किया गया, लेकिन इस मूवी के बेकार वीएफएक्स की वजह से इस मूवी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और लोग आदिपुरुष के वीएफएक्स को 2011 की रावण मूवी से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे रावण के वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और आज की बॉलीवुड मूवीज भी रावण के वीएफएक्स के लेवल को टच नहीं कर पाती है। देखो, मैंने पहले रावण के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मुझे ये मूवी कितनी ज्यादा पसंद है, लेकिन ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज मुझे उस वीडियो को हटाना पड़ा। लेकिन चिंता मत करो, मैं उस वीडियो की कसर भी इस वीडियो में पूरी करूंगा। तो उस टाइम पे इस मूवी को काफी बड़े स्केल पे बनाया गया था। इस मूवी का टोटल बजट 130 करोड़ का था, जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पैसे हुआ करते थे। और ये मूवी शाहरुख खान का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। इस मूवी को बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस मूवी के वीएफएक्स, स्टोरी, कास्ट, यहाँ तक इस मूवी के गाने भी काफी ज्यादा अच्छे थे। लेकिन फिर क्यों ये मूवी फ्लॉप हो गई? अब देखो, मैं पहले इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रावण मूवी फ्लॉप नहीं थी। रावण मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन 200 करोड़ था, जिसे हम एक फ्लॉप कंसिडर नहीं कर सकते। इस मूवी के ना चलने का सबसे बड़ा रीजन था इस मूवी की टाइमिंग। अब देखो, तुम मानो या ना मानो, ये मूवी उस टाइम की ऑडियंस के लिए नहीं बनी थी। अगर यही मूवी आज के टाइम रिलीज होती थी, ये मूवी आराम से 700 से 800 करोड़ का बिजनेस कर लेती। तो यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली लोग 11 सालों के बाद इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं और लोग सच में इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। और मैं भी एज अ रावण फैन शाहरुख खान और अनुभव सिन्हा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज इस मूवी का सेकंड पार्ट बनाए और एक बार फिर से रावण को रिवाइव करें। सोचो, अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट बनता है तो इस मूवी के वीएफएक्स किस लेवल के होंगे, क्योंकि पहले इस मूवी का वीएफएक्स शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज वीएफएक्स ने किया था और तब ये कंपनी अपने इनिशियल स्टेजेस में थी। लेकिन अब ये कंपनी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है और इस कंपनी ने काफी हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। तो हाँ, अब रेड चिली वीएफएक्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस, न्यू टेक्नोलॉजी और एक टैलेंटेड टीम है। तो सोचो, आज के टाइम पे हमें रावण 2 में किस लेवल का वीएफएक्स देखने को मिल सकता है। तो यार, अगर तुम भी मेरी तरह एक रावण फैन हो तो प्लीज #WeWantRavanBack रेड चिलीज के ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल पे स्पैम करो, ताकि हमारी ये बात शाहरुख खान तक पहुंचे और वो इस मूवी के सेकंड पार्ट के बारे में सोचे। ये तो शायरी बन गई यार। तो हाँ यार, ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आपको और भी ऐसे रावण वाले कंटेंट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना।